हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आ गई हूँ अपना मेकओवर करने के लिए। तो फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स, हम आए हैं बहुत ही अच्छे सैलून पे, हेयर महल पे, और आज जमा जी का मेकओवर होने जा रहा है। क्रिएटिव प्लस स्मूथिंग करने जा रही है। देखिए, इनकी खुशी देखते ही बन गई बहुत ही खुश है नमानी। अब मेरा लुक देखना कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि आफ्टर अभी कोई वीडियो आप अंत तक ढूंढ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये मेरा देखा कैसी लग रही हूँ मैं आज। फ्रेंड्स, मैं अपने बालों में कैरेटिन करवाने आई हूँ। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ख़राब से हो गए हैं, करवाना ज़रूरी है, नहीं तो ना और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं मेरे बाल। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये हम पार्लर आ गए हैं और जो मेरा बेटा है ये खेल रहा है। फ्रेंड्स, और बच्चों को हर जगह खेलना होता है। थोड़ी ये जगह ना एक्सपेंसिव थी, तो उसको अच्छा लग रहा था मेरे बेटे को। बहुत ही अच्छा पार्लर था फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ट्रीटमेंट किया था। ये देखिए, सबसे पहले तो मेरा हेयर वॉश हो रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर वर्कर तो बहुत सारे थे, बहुत सारे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इनके जो फैसिलिटी थी ना बहुत अच्छी दे रखी थी इन्होंने। तो पहले ही मैंने ना एक दो दिन पहले ही मैंने बुक कर दिया था फ्रेंड्स। तो मैं संडे को टाइम मिला था फ्रेंड्स, तो मैं संडे को चली गई थी, क्योंकि जो हमारे घर से ना थोड़े से दूर था ये, तो इसकी वजह से मैं संडे को गई थी। और मैं अकेले ना जाती नहीं हूँ कहीं पर भी। तो अब ये मेरे बाल ना फ्रेंड्स सुखा रहे हैं, ये भैया देखिए। सुखाने के बाद फ्रेंड्स, ये मेरे पहले थोड़े बड़े थे ना, तो नीचे से फ्रेंड्स मेरे थोड़े से बाल ना ख़राब हो गए थे। तो मैंने उनको बोल दिया था भैया थोड़ा सा ना नीचे से कट कर देना आप, तो उन्होंने नीचे से सुखाने के बाद कट कर दिया था थोड़े से। तो ये देखिए, नीचे से देखो बिल्कुल ना पूंछ जैसे हो रहे हैं, तो ख़राब हो रहे थे फ्रेंड्स। और देखिए, वो भैया सामने दिख रहे हैं ना, ये दूसरी लेडीज़ के कर रही हैं, दूसरी लेडीज़ के कर रहे हैं। और उन्होंने ना मेरा जब हेयर वॉश करने का टाइम आया था, तो उन्होंने ही वॉश किया था मेरा। तो इसी तरीके से है। अब वो मेरे ना फ्रेंड्स जो क्रीम वगैरह लगाते हैं वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने नेचुरल वाला करवाया है, जो नेचुरल थेरेपी होती है ना उसको बोलते हैं। तो मैडम ने उन्होंने बोला था कि आप वो करवा लो, वो ज़्यादा मंथ के लिए ठीक है। तो फिर मैंने वही वाला करवा दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग ना इतने आ रहे थे, इतने कोई मेकअप के लिए, कोई हेयर के लिए, हर तरीके के लोग। और संडे को ना ज़्यादा क्राउड रहता है इस पार्लर में। तो बहुत अच्छा पार्लर है, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी पार्लर में गई हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादातर छोटे ही पार्लर हैं, ज़्यादा बड़े पार्लर में नहीं गई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े पार्लर में आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये देखिए। और फाइनल लुक फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगी जो जो उन्होंने किया था। और ये नेचुरल थेरेपी है मेरे हेयरों में, कोई ये जैसे बाल डैमेज होते हैं और टूटते हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं ना मेरे बालों में, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और ये एक साल रहेगा मेरे बालों में, ये जितने टाइम ये कर रहे थे। तो इन्होंने ना शैम्पू वगैरह भी और जो कंडीशनर होता है बालों का वो भी दिया था। वैसे हम ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं या बाहर से भी ख़रीद सकते हैं, पर मैंने सोचा कि इनसे ही ले लेते हैं, एक बार देखते हैं। नहीं तो ऑनलाइन तो है ही है ऑप्शन, और नहीं है तो फिर हम इसी पार्लर से ख़रीद लेंगे दोबारा से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो ये ना बालों को ढंग से सुखा रहे थे, कॉम कर कर के। एक एक बाल को सूखना चाहिए था, तो मैंने बोल दिया था, मैंने एक बार बोला भी था भैया सूख गए हैं बाल, तो बोले थे नहीं मैम पूरे बाल अच्छे से तरीके से सूखे होने चाहिए। तो वो ड्रायर से अच्छी तरीके से सुखा रहे थे कॉम कर करके, और बहुत अच्छा था दीदी के फ्रेंड्स। और ये लगाना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, जो इनका जो प्रोडक्ट था पता नहीं क्या था, और अच्छे से वो कर रहे थे पूरे बालों में ना लगना चाहिए उसको, अच्छी तरीके से मसाज भी कर रहे थे बालों में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, यही सब था लुक। और कंघी करके उसको कर दे रहे थे।
ये देखिए, और संडे ब्लॉग यही है। थोड़ा सा घूमने के बाद ये मैं शाम के टाइम पे गई थी, शाम के टाइम पे, क्योंकि ना शाम के टाइम पे ही जाना ठीक था। उससे पहले तो हम घूम ही रहे थे, दोपहर में निकले थे हम घूमने के लिए। तो ये शाम के टाइम का वीडियो है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा जो वीडियो है ना, ये है मेरा जो फाइनल लुक जो मैंने करवाया है, वो दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार, मंगलवार है तो मैंने संडे को करवाया था फ्रेंड्स, और मंडे को मेरा वॉश हो गया था हेयर, और आज ट्यूजडे है। तो आज ट्यूजडे को ना फ्रेंड्स, मंडे को मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया था। तो मैं शाम को गई थी, जब मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वो लेकर गए थे, क्योंकि यहाँ से ना बहुत दूर है, तो फिर वो लेकर गए मुझे। फिर उसके बाद फाइनल आज अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैंने नहा धो लिया है, तो मैं दिखा रही हूँ, ये देखो। तो इस तरीके से मेरे हेयर लग रहे हैं, और मैंने कटिंग भी करवा ली है, देखो कैसे लग रहे हैं। और देखो, ये देखो, और कुछ लोग ऐसे भी होता है, तो आपको बताना किस तरीके का मेरा लुक अच्छा लग रहा है आपको। देखो फाइनल लुक है फ्रेंड्स, आपकी दुआ से मैंने करा लिया है अपना मेकओवर। तो कैसी लग रही हूँ? अब भाई और करवाना होगा तो सोचूंगी, अभी तो मैंने यही करवाया है हेयर का। तो कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।